जब गिवन इक्वेशन एक रेसिप्रोकल इक्वेशन हो तो किस तरह से उसका सोल्यूशन फाइंड किया जाता है? देखें, जिस तरह से हम कैसे ये बात जानते हैं कि ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसके लिए हम जो तरीकेकार होता है वो ये होता है कि हम गिवन इक्वेशन में वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी एक्स की जगह हम लिखेंगे 1/x, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वही इक्वेशन दोबारा मिल जाएगी जो कि एक्स वेरिएबल की शेप में थी। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या है जी, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। यहाँ पर मैंने बात चेक की है और मैंने देखा कि ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब हम इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं कि अब इसका सोल्यूशन कैसे या किस टेक्निक से फाइंड होगा। तो सबसे पहले हम जो हमारी इक्वेशन है उसकी बोथ साइड जो है उसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया जा रहा है इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा जी। लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से तो फर्स्ट टर्म भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगी, इसी तरीके से हर हर टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर -6x² / x² आ जाएगा, फिर हमारे पास x/x² आ जाएगा, और यहाँ पर 2/x² आ जाएगा, और यहाँ पर 0/x² जो है वो 0 के इक्वल होता है। याद रहे कि एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, और फिर जारी बात है कि इसका स्क्वायर भी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि रूल है कि इक्वेशन को हम किसी 0 नंबर से डिवाइड नहीं करते। यहाँ पर जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें बात पता चलती है कि यहाँ पर 2 × x² आ जाएगा, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की बेस पर। इसी तरह यहाँ पर एक्स की पावर 1 रह जाएगी, यहाँ पर एक्स x² से कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 1/x एक्स x² को कैंसिल कर देगा, 1/x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2/x² आ जाएगा और इक्वल टू आ रहा जी 0 के। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से कि मैंने जैसे कहा कि ये हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, तो मैं ऐसा से करता हूँ कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास है जी 2 कॉमन आ सकता है। यहाँ से आप देखें तो ये बन जाएगा x² + 1/x², ठीक, यानी इन दो में से मैंने 2 कॉमन लिया। फिर इसी तरह x + 1/x ये हमारे पास एज इट इज आ गया, और -6 = 0। अब ये जो इक्वेशन है, अब इससे चले मैं नाम दे देता हूँ जी 1 का। इससे पहले मैंने स्टार इक्वेशन कही थी जो गिवन थी, यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे जी x + 1/x को किसी और वेरिएबल से, चले y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास जो इसका स्क्वायर है यानी x + 1/x का होल स्क्वायर जो है ये इक्वल टू आ जाएगा किसके जी, y² के। और अगर हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बात हमें सब मालूम होती है जी x² + 1/x² और +2 × x × 1/x, चूंकि इन्वर्सिस हैं, 2 आ जाएगा इक्वल टू y² के। और यहाँ से जी जो हमारे पास y² है इसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं जी, हमारे पास y² जो है ये इक्वल टू आ जाएगा किसके जी, सॉरी y² - 2, ये 2 हम शिफ्ट कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा जी, यहाँ पर राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी x² + 1/x². तो इस तरह से हमने जो है x + 1/x की वैल्यू जो कि y है और x² + 1/x² की वैल्यू जो कि y² - 2 लिख ली। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करेंगे जी। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसे दर्ज करते हैं, देखते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास इसकी क्या शेप बनती है। तो हम इससे कहेंगे जी इक्वेशन 1 बिकम्स 2 × x² + 1/x² की जगह हम लिखेंगे जी y² - 2 + यहाँ पे आ जाएगा y और -6 = 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, यानी ऐसा एक ऐसी पॉलीनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। अब इसको हम सिंप्लीफाई ऐसा से करेंगे कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी 2y² - 4 बन जाएगा +y - 6 = 0। अब वो टर्म्स जो कि लाइक हैं वापस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो हमारे पास -4 - 6 ऐड होकर -10 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक का जो फार्मूला होता है, जो टेक्निक होती है वो हम यूज़ करेंगे, जिस तरह से कि अगर मैं यहाँ पर यूँ लिखूँ कि -4y + 5y, तो ये हम इनको आज सम देखते हैं y बन जाता है पॉजिटिव y, जबकि इनका प्रोडक्ट जो है -20y² बनता है, जो कि एक्सट्रीम्स का भी यही प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में से अगर हम 2y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे y - 2 बच जाएगा, जबकि लास्ट टू टर्म में से अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी y - 2 आ जाता है। और इसी तरह से अब हम अगर y - 2 कॉमन ले लें
तो हमारे पास जी फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 2y मल्टीपल के तौर पर और सेकंड टर्म में 5 मल्टीपल के तौर पर रह जाएगा। इसी तरह आप इनको अलग अलग हम 0 के इक्वल लिखेंगे, जो रूल आप जानते ही हैं, प्रोडक्ट हो जब टू रियल नंबर्स का तो पॉसिबिलिटी होती है कोई एक लाजमी 0 होगा। तो इस तरह यहाँ से y जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है और यहाँ से y जो है -5/2 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर यानी पहले हम -5 लिखेंगे, 2y = -5 और 2 पर डिवाइड करेंगे, तो किस तरह से ये आ जाएगी वैल्यू। अब ये बात हमने शुरू में जो है सपोज की थी जब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हम x+1/x को y के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये जो है, चलें इस कंडीशन को मैं दोबारा कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ ताकि हम इसी की मदद से आगे चल सकें। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पर जी, इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। एक पार्ट यहाँ पर आएगा x+1/x जो कि इक्वल है 2 के, और यहाँ पे आएगा जी x+1/x जो कि इक्वल आ जाएगा -5/2 के। अब इधर से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये x आ जाता है, ये आ जाएगा जी x²+1, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये x आता है, ये बन जाएगा x²+1 इक्वल टू -5/2। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जी इस तरह से होगा जी x²+1 जो है इक्वल टू आ जाएगा 2x के, जबकि यहाँ पर x²+1 जो है ये इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे बल्कि 2 भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर आकर लेफ्ट साइड पे, और ये -5, और x जो है ये राइट साइड पे आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से अब अगर हम इन टर्म्स को एक साइड पे लिखें, ये 2x यहाँ पे आके लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, +1 = 0, और यहाँ पर हमारे पास बन जाता है जी 2x² + 2, और ये 5x को इधर शिफ्ट करेंगे, +5x हो जाएगा इक्वल टू 0 के। चलिए जी, अब ये फार्मूला अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ जी a² + b² - 2ab, यानी ये है x-1 के होल स्क्वायर का फार्मूला, a-b² का फार्मूला। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट लें बोथ साइड पे तो x-1 = 0 आ जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1, इस तरह से। और चलें इस अगर सेकंड इक्वेशन को भी अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करेंगे जी, पहले इसको अरेंज करके लिखते हैं, 5x+2 आएगा इक्वल टू 0, और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 4x+x आ जाता है, +2 = 0। फर्स्ट टू टर्म में से अगर हम 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बन जाता है जी x+2, और लास्ट टू टर्म में से 1 कॉमन लेंगे तो x+2 = 0। और चलें जी इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, अब यहाँ से x+2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x+1 इक्वल टू 0 के, x+2 = 0, और 2x+1 = 0, ठीक। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, चलें जी ये इसको सर्कल कर देते हैं, और इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इस तरह से हमने ये दोनों जो हमारे पास इक्वेशन से जो हमें वैल्यूज मिली, यहाँ पे चूंकि x की वैल्यू 1 रिपीट हो रही थी, इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में, तो ये तीनों वैल्यूज हमने देखा कि वाकई इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए हम इन्हें सॉल्यूशन के तौर पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट में। तो ये था जी सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन का।